कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स ने बादली हलके में अपना पर्चा भरा है। पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बादली से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप वत्स से और उनके समर्थन को लेकर के खुलकर बातचीत की। उन्होंने कुलदीप वत्स का नामांकन कराने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कुलदीप वत्स को भारी मतों से जिताएं, क्योंकि मुझे भविष्य में इस सीट की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो वो इस सीट को खाली कराकर यहाँ से खुद चुनाव लड़कर के विधानसभा में पहुँचेंगे। सांसद ने अपनी इस बात की हामी कुलदीप वत्स से भी करवा ली और कुलदीप ने जनता के बीच में पूर्व सांसद से ऐसा करने का वादा किया। दीपेंद्र हुड्डा मेरे नेता हैं, इनका आशीर्वाद जो मेरे को मिला है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनका नाम रोशन करके गिराऊँ पाएगा और बादली के क्षेत्र की जनता को इनके आशीर्वाद से मैं साथ लेकर चलूँगा। इनका अपमान नहीं होने दूंगा। जो इन्होंने इज्जत मेरे को दी है उस पगड़ी को मैं सदा बरकरार रखूँ, उस इज्जत को आगे बढ़ाने का काम करूँ। ये राजनीतिक इशारे होते हैं और बादली क्षेत्र से मुझे मेरी जन्मभूमि कलोई हल्का हो सकता, मेरी कर्मभूमि बादली विधानसभा क्षेत्र रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हमारे पूरे क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों से बहुत से लोग मेरे पास आए थे और सभी चाहते थे कि मैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग, चाहे डेहरी की बात हो, बादली की, झाजोगढ़ की बात हो, चाहे बरोदा की बात, कई विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने कहा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ने के बारे में सोचना चाहिए।